हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के उन महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% फ्रेंड्स सवाल आने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे सवाल हैं कि जो 2024 के पेपर के लिए वायरल प्रश्न है। फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स आप बोर्ड के एग्ज़ाम में विज्ञान में आप 100 में 95 नंबर लाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड, जितने भी सीरीज आपको करा रहे हैं उन सब का वीडियो आप प्रॉपर देखा कीजिए। आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 95% अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने पहला नंबर का सवाल है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके 2023 के पेपर में आ चुका है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्या है सवाल आपका कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ऑप्शन आपका इसका है कार्निया, पुतली, परितारिका या दृष्टिपटल। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को मानव नेत्र आप सभी को डिटेल में पढ़ा चुके हैं। उसमें पढ़ाते समय आपको बताए थे कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो उस भाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दृष्टिपटल कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ भी बनता है तो आपको पता होगा इसे क्या कहते हैं, रेटिना भी कहते हैं। तो रेटिना पर ऑप्शन में यदि रेटिना रहता तो आप ऑप्शन रेटिना लगाते, ठीक है। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर का सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है 25 मीटर होगा, 2.5 मीटर होगा, 25 सेंटीमीटर होगा या 2.5 सेंटीमीटर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे तीन प्रश्न बनता है, वो तीनों प्रश्नों को आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आपसे दूर बिंदु पूछेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या पूछा आपसे, दूर बिंदु, ठीक है, दूर बिंदु पूछेगा। तो देखिए, आपका दूर बिंदु होता है अनंत। यहाँ पर प्रश्न जैसे यहाँ पर अल्पतम लिखा है तो आपको दूर बिंदु कहेगा तो अनंत बताना है। यदि अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी सवाल में पूछेगा फ्रेंड, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम दूरी कहेगा तो कितना बताना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आपको कितना बताना है, 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछता है कि सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है तो सामान्य नेत्र के लिए भी कहेगा तो कितना होता है, आप याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। फ्रेंड्स, ये तीनों प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मानव नेत्र से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा क्या, अल्पतम, अल्पतम का मतलब होता है न्यूनतम, यानी न्यूनतम दूरी कितना है तभी बताया फ्रेंड्स, न्यूनतम दूरी कहता है कितना बताना आपको, 25 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया। अगले नंबर का सवाल को देखते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है, तीसरा नंबर देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो उसका अभिनेत्र लेंस होता है उसमें फोकस दूरी होता है, उसको किसके द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। ऑप्शन है पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा, पक्षमापी के द्वारा या परितारिका के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, आपको फोकस दूरी में यदि परिवर्तन करना है तो उसमें आप किसके द्वारा कर सकते हैं, तो पक्षमापी के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, या आपका अगला नंबर का सवाल है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2022 के पेपर में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। देखिए क्या है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जल होता है तो जल के द्वारा लेंस बनता है, ठीक है, कांच के द्वारा भी बनता है, प्लास्टिक के द्वारा भी आपका लेंस बनता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपका मिट्टी का प्रयोग करके उसमें कभी लेंस नहीं बनता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मिट्टी के द्वारा कभी भी आपका लेंस नहीं बनता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, आपका पाँचवा नंबर का सवाल है फ्रेंड्स कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर इस सवाल को हम लगाते हैं। देखिए क्या है कि -2D,
टू डी या 0.02 डी या -0.02 डी। देखिए फ्रेंड्स, आपको जब इसका फोकस दूरी निकालना होता है तो आपको फार्मूला बताया है क्या है। देखिए, जब वक्रता, देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, देखिए क्षमता को पी से दिखाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 1/f होता है। इस फार्मूला का प्रयोग तब करते हैं जब ये मीटर में दिया होता है, ठीक है। यदि आप इस फार्मूला का प्रयोग वहाँ पे करते हैं, या यदि आपको सेंटीमीटर में यफ दिया हो, या यफ किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, तो उस समय आपको फार्मूला इसका प्रयोग करना है। अब फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका जो सेंटीमीटर दिया है किस में दिया है, 50 सेंटीमीटर में दिया है, तो कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो देखिए यहीं पर लगा देते हैं, यहाँ 100/f की का मान कितना है, 50। देखिए 50 से कटेगा कितने बार में, दो बार में, तो आपका आया 2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ डी का मतलब होता है डायोप्टर, ठीक है। तो क्षमता का मात्रा क्या होता है डायोप्टर, तो इसे डी से दिखाते हैं। और फ्रेंड्स जब ऑप्शन को देखेंगे तो माइनस प्लस दोनों दिया है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, जब उत्तल लेंस का आता है तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है किस में होता है, प्लस में होता है। इसका सही जवाब कौन सा होगा, देखिए प्लस में यह है, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप यदि अवतल लेंस कहता, अवतल लेंस कहता, ठीक है, देखिए कंसेप्ट एकदम क्लियर करते चलिए फ्रेंड्स। यदि अवतल लेंस कहता तो उस समय आपकी जो क्षमता होता है ऋणात्मक में होता है, ठीक है। इस दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और फार्मूला दोनों के लिए, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका 6वां नंबर का सवाल है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण वो होगा। ऑप्शन है केवल समतल हो सकता है, या केवल अवतल हो सकता है, केवल उत्तल, या तो समतल होगा या उत्तल। तो फ्रेंड्स आपको दर्पण पढ़ाते समय बताए थे कि उत्तल दर्पण के द्वारा आपका सदैव जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, कैसा बनता है, आभासी बनता है। और दूसरा नंबर पे होता है कि समतल दर्पण के द्वारा भी आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो दोनों को याद रखिए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, इन दोनों के द्वारा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन, देखिए आपको किस में दिया है, या तो समतल हो सकता है या उत्तल, जिसका सही जवाब कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आप प्रश्न का आंसर जब भी दीजिएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है, तभी आप आंसर सही दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है, देखिए 7वां नंबर का, देखिए क्या है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपको कई बार प्रश्न करवा चुके हैं, आपको टेस्ट में भी ये प्रश्न दिए थे, ये तो प्रश्न याद हो गया होगा। चंद्रमा से देखने पर आकाश हमेशा आपको काला दिखाई देता है, इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर का फ्रेंड्स सवाल देखिए, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप दो रंगों का नाम याद रखिए, ठीक है, एक होता है लाल, एक होता है बैगनी, बस यही दो रंग का नाम याद रखिए फ्रेंड्स। इसमें आज बैगनी, ठीक है, यहाँ पे होगा बैगनी, ठीक है, बैगनी। अब फ्रेंड्स देखिए, जब प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो लाल का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम, और सबसे अधिक पूछता है प्रश्न में, यदि सबसे अधिक कह देता तो बैगनी का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, क्या होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैगनी रंग का, सबसे कम किसका होता है, लाल का। तो यहाँ पर सबसे कम पूछा है, तो ऑप्शन में देखिए डी वाला ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप कुछ रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट सवाल स्टार्ट होते हैं, उसको देखते हैं। देखिए सवाल फ्रेंड्स क्या है आपका, कि जंग का रासायनिक सूत्र है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपको कई बार बताए थे कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन को देखिए, FeCO3, FE2CO3, FE2O3.XH2O, FeCO3.XH2O। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, FE2O3। इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए क्या है, FE2O3.XH2 होता है, यहाँ पे सी इसमें नहीं होता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जंग के रासायनिक सूत्र में आपका सी नहीं होता, क्या होता, आयरन होता, ऑक्सीजन होता और जल की मात्रा होती है, FE2O3XH2 होती। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए फ्रेंड्स 10वां नंबर का सवाल देखते हैं। आपका 10वां नंबर का सवाल क्या है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जैसे NaCl होता है, KCl, CuCl या AgCl। तो फ्रेंड देखिए, आप इसको सीधे याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला जो लवण होता है वो सिल्वर क्लोराइड होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, AgCl होता है, क्या होता है, AgCl हो जाता है, ठीक है।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगले नंबर 11वें नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका 11वां नंबर का सवाल क्या है, क्या कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा। फ्रेंड्स, आपको अब यहाँ पे पता होना चाहिए कि यदि आपका लाल लिटमस है, यदि उसको नीला कर देता है, वो कौन सा होता है, अम्ल होता है या क्षार होता है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि लिटमस पेपर को यदि नीला करता है तो क्षार करता है, ठीक है। यदि लिटमस पेपर पर हम क्षार डालते हैं तो वो कौन सा रंग बन चेंज होता देता है, तो नीला रंग। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि क्षार का पीएच मान जो होता है सदैव 7 से क्या होता है, अधिक होता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन में जब ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो 1 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, जो कि ये 7 से तीनों ऑप्शन कम है। 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर इसका निकाल के आपको फ्रेंड्स जवाब देना होता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका 12वां नंबर का सवाल क्या है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। फ्रेंड्स, जब आप भोजन करते हैं तो आपको कभी कभी कच्ची ढकार आता है ना, यानी भोजन जब अपच हो जाता है, अनपच हो जाता है, उस समय कच्ची ढकार आता है, तो उससे सही करने के लिए कौन सा औषधि का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप उसको सही करने के लिए जो पदा औषधि यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं, यानी प्रति अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटासिड का मतलब होता है प्रति अम्ल, इसको याद रखिएगा, प्रति अम्ल। और जो प्रति अम्ल फ्रेंड्स यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ, याद रखिएगा ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या कहते हैं उसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये पढ़ाते समय आपको 2-3-4 बार फ्रेंड्स बताए थे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है अपच को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम एंटासिड या प्रति अम्ल कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 13वां नंबर का सवाल क्या है आपका, H2S विलयन का पीएच मान होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को दोबारा करा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए H2S विलयन का पीएच मान, तो इसमें देखिए आपका है क्या, यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा है, यानी हाइड्रोजन आयन है। अब हाइड्रोजन आयन होने का मतलब ये कौन सा अम्ल हुआ, ये होगा आप कौन सा होगा, क्षार होगा ये अम्ल। तो देखिए H+ आने का मतलब ये क्या होता, अम्ल होता है। अब फ्रेंड्स, जब अम्ल आता है तो आपको पता है कि अम्ल जो होता है इसका पीएच मान होता है 7 से कम होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 14वां नंबर का सवाल क्या है आपका, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन होगा। देखिए फ्रेंड्स, पीएच मान कितना है, 7 से कम है। जब 7 से कम होगा तो क्या होगा, वो अम्ल होता है। क्या ये क्या कहेंगे, 7 से कम है तो अम्ल। इसमें देखिए कौन सा क्या होगा, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये अम्ली हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए 15वां नंबर का सवाल आपका क्या है, कि अम्ली वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है अम्लीय। अब अम्लीय का मतलब होगा इसका जब भी मान होगा तो 7 से कम होगा। तो ऑप्शन को देखिए 5.2, 6.2 या 7.2 या 8.2। देखिए 7.2 होने का मतलब 7 से अधिक है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, हमेशा 7 से कम ही होना चाहिए। जब अम्ल है तो 7 से कम होना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। अब तो ये हो सकता है या ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.2 होता है। इसको याद भी रखिएगा कि 5.2 होता है, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान के सवाल स्टार्ट होते हैं। क्या है कि मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। देखिए अब किससे संबंधित है, ऑप्शन है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो फ्रेंड देखिए, आप पढ़ते समय पढ़े होंगे कि वृक्क का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, वृक्क का जो कार्य होता है एक उत्सर्जन का कार्य करता है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वृक्क के बारे में आप जानते होंगे। देखिए फ्रेंड, 17वां नंबर का सवाल है क्या है, कि पादप में जाइलम का उत्तरदायी है। देखिए आपके पेपर के लिए फ्रेंड्स, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। क्या होता है, फ्लोएम। ये दोनों टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर पहले ऑप्शन बताते हैं, फिर इसको देखिए आंसर कैसे ट्रिक से याद रखना वो भी बताएंगे साथ में। क्या है, ये जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है,
अमीनो अम्ल का वहन करता है या ऑक्सीजन का वहन करता है। देखिए फ्रेंड, जब जाइलम पूछेगा यहाँ से ज निकालिएगा, ठीक है, यहाँ से ज और यहाँ से ल ले लीजिए, इसका मतलब ज और ल मिला के क्या होगा, जल। इसका मतलब होगा कि जाइलम किसका किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। देखिए टिक मिला कि नहीं, जाइलम में जल ही और ल, तो ज और ल से मिल जाएगा जल, यानी जल का वहन करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ट्रिक से याद रखेंगे तो कभी जिंदगी में आपसे नहीं भूलेगा। देखिए फ्रेंड, जब ये हो गया तो इसका मतलब होगा फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या होगा, तो फ्लोएम की याद रखिएगा फ्रेंड, जब जाइलम जल का वहन करता है तो फ्लोएम जो होगा भोजन का वहन करेगा, किसका वहन करेगा, भोजन का। तो इसका याद रखिएगा, फ्लोएम को पूछेगा तो भोजन बताना है, जाइलम को पूछेगा तो जल बताना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब फ्रेंड देखिए 18वां नंबर का सवाल क्या है, यकृत स्रावित करता है, यह भी आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, क्या है, लार का, अग्नाशय का, जठर रस का या पित्तरस का। तो फ्रेंड देखिए, जब यकृत जो होता है यह आपका स्रावित जो करता है पित्तरस का करता है, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 19 नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या आका है, कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स अभी आपको समझाया, जब फ्लो भोजन का एक है तो कौन करता है, फ्लोएम, कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन पढ़ लीजिए, भोजन का स्थानांतरण कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभी आपको समझाए थे। जाइलम किसका करता है फ्रेंड, तो ज लीजिए ल लीजिए, तो जल यानी जल का वहन कौन करता है, तो जाइलम। भोजन का कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स 20वां नंबर का सवाल आपका कौन है, कि कौन सा पादप हार्मोन है, यानी आपको बताना है कि पादप हार्मोन कौन सा है, ठीक है। सीधे सीधे ये जानिए कि इस क्वेश्चन का मतलब है पादप हार्मोन, ठीक है, यानी पौधे में जो हार्मोन पाया जाता है उसे बताना है। ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, फिर सी है एस्ट्रोजन, फिर इसके बाद होता है साइटोकाइनिन। तो फ्रेंड देखिए आप याद रखिएगा, जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति होता है उसमें इंसुलिन मिलता है, एस्ट्रोजन महिलाओं एस्ट्रोजन मिलता है, फिर थायरॉक्सिन मिलता है, लेकिन पादप में जो फ्रेंड्स हार्मोन पाया जाता है वो साइटोकाइनिन होता है। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी फिजिक्स और जीव रसायन विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो सभी आपको कराए हैं। फ्रेंड जितने भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का बहुविकल्पी प्रश्न या लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, आपको गारंटी देते हैं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% आसानी से अंक ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करें।